साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाठग सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड के गलियारे जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को लेकर बड़ी खबर है, या कहें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब तक मामला सिर्फ ठगी का दिख रहा था, मगर अब इसमें अय्याशी का तड़का लग चुका है। बॉलीवुड का पूरा पर्दाफाश होता दिख रहा है। हालात इतने खराब है कि जेल के अंदर अय्याश पार्टी का खुलासा हुआ है। जी हाँ, सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बड़ी बड़ी पार्टियां करता था और हैरानी की ये थी कि इस पार्टी में एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बड़ी और नामी हीरोइन सुपर मॉडल्स पहुंचती थी। नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस तक के नाम सामने आ रहे हैं। हालात तो यहां तक थे कि जेल के अंदर ही सुकेश का लग्जरी ऑफिस बनाया गया था। तो क्या है पूरा मामला, कौन कौन है वो 10 हीरोइन जो पहुंचती थी सुकेश के साथ अय्याशी के लिए तिहाड़ जेल, सब कुछ आपको बताते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े पर्दाफाश को आप भी शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के किस्से अब आम हो चुके हैं। सुकेश को लेकर पहले कहा गया कि उसने 200 करोड़ की ठगी की और फिर धीरे धीरे अब ठगी की रकम बढ़ती जा रही है। अब इसी मामले में सुकेश के साथ जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जैकलीन को लेकर कहा जा रहा है कि जैकलीन सुकेश के साथ होटल्स में रात गुजारती थी। जैक ही सुकेश की गर्लफ्रेंड भी थी और कहा तो ये भी जाता था कि सुकेश जैकलीन को बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल करता था, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल करता था। अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड को लेकर, सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों को लेकर, बॉलीवुड की गंदगी पर सबसे बड़ा हिला देने वाला खुलासा हुआ है, और वो ये है कि जैकलीन समेत 10 हीरोइन अय्याशी के लिए, सुकेश के साथ वक्त गुजारने के लिए, सुकेश की पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल जाती थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 की तरफ से इस खुलासे में कहा गया है कि एक या दो नहीं बल्कि पूरी 10 हीरोइन थी जो कि सुकेश के साथ पार्टी करने के लिए जेल पहुंचती थी। ईडी के सूत्रों के हवाले से इस पूरे मामले में सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में एक बड़ा और आलीशान ऑफिस चला रहा था जहां उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी। इतना ही नहीं, सुकेश जेल में आलीशान चिकन पार्टियां भी करता था और इन पार्टियों में उसकी महिला मित्र भी शामिल होती थी। जेल में उससे मिलने 10 से ज्यादा सुपर मॉडल और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आती थी। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर का जेल में बनाई ऑफिस सभी सुविधाओं से लैस था। एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल ने अपने बयान में कहा है कि जेल में सुकेश के ऑफिस में सोफा, फ्रिज, टीवी जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद थी और जानकारी के मुताबिक लीना को जेल में जाने का पूरा एक्सेस था। वो रजिस्टर में बिना एंट्री किए अंदर और बाहर जाती थी और बार बार ऐसा होता था। लीना ने अपने बयान में बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में चिकन पार्टी करता था और इन पार्टियों में उसकी फीमेल फ्रेंड्स, महिला मित्र शामिल होती थी, आती थी मुंबई से आती थी। न्यूज 18 के मुताबिक सुकेश का जेल में बनाया आलीशान दफ्तर बदस्तूर चलता रहे, इसके लिए वो जेल के अधिकारियों को हर महीने 1 करोड़ की मोटी रकम देता था। जी हां, ये बड़ा दावा, बड़ा खुलासा हुआ है कि सुकेश हर महीने जेल के अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए देता था। सुकेश के ऑफिस में मिनरल वाटर से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक मिलती थी और न्यूज 18 के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा कम से कम 10 सुपर मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुकेश से मिलने तिहाड़ जेल में जाती थी और फिर वहां सुकेश के साथ वक्त गुजारती थी। अब इन 10 नामों में बड़े बड़े नाम हैं जो कि अभी फिल्मों में सक्रिय हैं और बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रही हैं। कुछ सुपर मॉडल्स भी हैं जो कि फिल्मों में आना चाहती हैं। वो सब सुकेश के साथ यहां आकर तिहाड़ जेल में रहती थी, अय्याश पार्टियां करती थी। यानी साफ है कि जो जैकलीन और नोरा फतेही अपना रिश्ता सुकेश से दूर कर रही थी, खुद को बेकसूर बता रही थी, पीड़ित बता रही थी, वो बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानती हैं। और जब कोई तिहाड़ जेल के अंदर पार्टी करने जा रहा है तो उसका सुकेश के साथ कितना करीबी रिश्ता होगा, ये समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर सुकेश चंद्रशेखर का पूरा सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब तो जैकलीन और नोरा फतेही का भी पूरा सच सामने आना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके से गंदगी हो रही है और ये पूरी गंदगी साफ होनी चाहिए। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस पर क्या कहना है? इनके सुकेश के साथ रिश्तों पर और जेल जाकर, तिहाड़ जाकर अय्याशी करने पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को तलब किया था और ये तीसरा मौका है जब जैकलीन से ईडी पूछताछ कर रही है। करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फंसी हुई है और लगातार जैकलीन मुश्किलों में घिरी हुई है। सुकेश के साथ रिश्तों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भी जैकलीन को विदेश जाने से रोक दिया गया था और फिर उसे तुरंत ही दिल्ली भी तलब कर लिया गया। और आज सुबह सुबह जैकलीन पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची, काले रंग के कपड़ों में, पूरी तरह से मास्क से फेस कवर करके जैकलीन ईडी के दफ्तर पहुंची और जैकलीन को साइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद सीधे इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। अब इससे पहले 2 बार ईडी जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है और तब तो जैकलीन ने कहा था कि सुकेश की पीड़ित वो भी है, सुकेश ने उसे भी धोखा दिया था। मगर अब ईडी को नए सबूत, नए गवाह मिल चुके थे। खुद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को लेकर, जैकलीन के साथ रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए थे, लिहाजा ये वाली पूछताछ सीधे ही जैकलीन से उन्हीं बातों को लेकर होने वाली थी जो कि सच था। और इस बार जैकलीन बुरी तरह से फंसी हुई थी या फिर फंसने वाली थी। अब जैसे ही इंटरोगेशन रूम में जैकलीन को ले जाया गया तो जैकलीन की हालत वहां पहुंचते ही खराब हो गई। जी हां, दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक जैकलीन की हालत अचानक खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडीज कांपने लगी, पानी की डिमांड करने लगी। अब दिल्ली में इन दिनों ठीक ठाक ठंड हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जैकलीन फर्नांडीज को पसीना छूटने लगा। हालत ये हो गई कि जैकलीन को पैनिक अटैक जैसी कंडीशन आ गई। जैकलीन कांपने लगी, कुर्सी पर ही बैठ गई। काफी देर तक जैकलीन की हालत ऐसी रही। जैकलीन को समझाया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारी गलती अगर नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैकलीन की तो हालत लगातार खराब हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जैकलीन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। जी हाँ, उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। जैकलीन पूरी तरह से पैनिक अटैक की कंडीशन में आ गई थी, आवाज बंद हो गई थी, पसीना लगातार बढ़ रहा था, घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे थे। तुरंत ही जैकलीन के साथ इंटरोगेशन को रोक दिया गया, जैकलीन के साथ आए वकील को बताया गया और फिर जैकलीन के लिए डॉक्टर और दवा का इंतजाम किया गया। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन लगातार तनाव की वजह से इन दिनों बेहद ज्यादा परेशान है और उसकी हालत मुंबई में भी खराब थी। मुंबई में भी उसके साथ पैनिक अटैक जैसी कंडीशन हो रही थी और दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचते ही जैकलीन की हालत फिर से खराब हो गई, फिर से उसी कंडीशन में जैकलीन चली गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया, जैकलीन को दवा भी दी गई और रिलैक्स होने के लिए कहा गया और करीब 1 घंटे तक पूछताछ रुकी रही। जी हां, 1 घंटे बाद जब जैकलीन नॉर्मल हुई तो उसके बाद ही इंटरोगेशन रूम में फिर से ले जाया गया और फिर तब करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद जैकलीन से पूछताछ शुरू हुई। अब इस बार तो ईडी को बहुत कुछ पता था, जैकलीन भी जानती थी कि ईडी बहुत कुछ, या कहें कि सब कुछ जान चुकी है और इसीलिए अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जैकलीन ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया और बता दिया कि उसे कितने करोड़ के गिफ्ट सुकेश ने दिए थे, उसके परिवार वालों को क्या क्या दिया और सबसे बड़ी बात, सुकेश की धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जैकलीन कितना जानती है। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन ने सब कुछ बता दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि डिटेल में जैकलीन ने क्या क्या कहा, क्या क्या राज उगले, वो सारी बातें जैसे ही हमारे पास आएंगी हम तुरंत ही आप तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ईडी के मुताबिक जैकलीन इसमें सीधे सीधे तरीके से शामिल हो सकती है। हालांकि जैकलीन इसे इनकार करती रही है, मगर ईडी को लगता है कि जैकलीन इसमें शामिल थी और अब की बार पूछताछ में जैकलीन ने बहुत सारी बातें कबूल भी कर ली हैं। तो कुल मिलाकर पूछताछ से पहले हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, पैनिक अटैक तक कंडीशन आ गई और फिर पूछताछ में जैकलीन ने बहुत कुछ उगल दिया, बहुत कुछ कबूल कर लिया, यानी कि बचना अब लगभग नामुमकिन है। तो आपका इस पूरे मामले में जैकलीन फर्नांडीज को लेकर क्या कहना है और पूरे बॉलीवुड या इस नेक्सस, इस पूरे सिंडिकेट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।